में खेलना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। लग रहा है थोड़ा सा दिखाती हूँ। बाद में कब हम रुके हैं एक जगह पे कुछ खाने के लिए और काफी अच्छा है यहाँ पे। व्यू बहुत ही, और यहाँ पे चंडीगढ़ में तो इतनी गर्मी है, यहाँ पे धूप में आए हम, इतना अच्छा लग रहा है। तो आज गाइस हम पूरा दिन भर व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि गेस्ट ही गेस्ट आ रहे थे कोई ना कोई। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए बगीचे में, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फ्रूट्स लगे हैं या फिर थोड़ी बहुत कुछ ढूंढने के। ट्राई तो हम कर रहे हैं बट मिल नहीं रही हमें, तो आज भी ट्राई करते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें। तो ये देखो गाइस हमारे फ्लावरिंग हो गई है एप्पल में, ये देखिए। और ये है खुमानी के पेड़, इसमें आपको दिखाऊंगी मैं भी छोटी छोटी सी खुमानी को दे रहे हैं हम मम्मी के पास वापस, क्योंकि हमने थोड़ा सा घूमने जाना है। ये देखो खुमानी अभी छोटी छोटी है। ये है बादाम का पेड़ जिसपे की बादाम अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये छोटे छोटे से हैं, पर कहीं कहीं पे मुझे ना बड़े भी दिखे थे, कल मैंने खाया भी था एक। ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे देखो गाइस पलम भी लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, येलो वाले होते हैं, इसको आलू बुखारे बोलते हैं। जा रहे हैं गाड़ी की वॉशिंग कराने के लिए, जल्दी आ रहा। पर और मैं क्या करना उधर यार, गाड़ी में कुछ मान नहीं है। नहीं, और काकू कर रहा है यहाँ पे हमारा वेट। तो गाइस हमारा हो गया है रील का शूट कंप्लीट, देखते हैं अब कैसी बन के निकलती है। और देखो पीछे कितने प्यारे फ्लावर्स है, बहुत सुंदर है। क्या बना रही है? आपकी वीडियो वायरल करनी है मैंने। ठीक है ठीक है, एक टांग के ठीक है। ताऊ जी ऊपर डैक भी हो गया है। कुत्ता कहाँ है आपका? यहाँ है परे। काकू खेल रहा है मिट्टी में, मिट्टी में खेलना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, पर यहाँ पे मिट्टी नहीं है। हेलो बेबी, उधर को नहीं, उधर को नहीं, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। अभी हम लोगों ने मंदिर जाना है क्योंकि आज से नवरात्र शुरू है माता जी के, तो हम हाटकोटी मंदिर जा रहे हैं पूरी फैमिली। तो देखो मैंने अभी बादाम तोड़े हैं, चले हैं मम्मी आगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा दिखाती हूँ। हम जाने के लिए रेडी, व्यू सूर्यदेव, मम्मी खड़ी है मजनू के पेड़ के पास और अभी जाएंगे हाटकोटी टेंपल और वहाँ से सीधा चंडीगढ़, और बाकी आपको रास्ते में दिखाएंगे जो भी रहेगा। तो चलो निकल पड़े हम माता जी के दरबार। जय माता दी। वो चले गए आगे। अच्छा सब लोग आगे चले गए, हम पीछे रह गए, पता नहीं दस कब तक फ्री होंगे यार। हम बहुत लेट पहुंच चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता क्यों? फिर हम 12 बजे भी वहां से निकले, 9 बजे पहुंच जाके क्या करना, कुछ नहीं हो हमारे तो क्या है, पन्ने की वजह से होते हैं हम थोड़े परेशान, वो तंग हो जाता है। ये है आगे सनी, चलो बाइक पे और मारो।
पर्वत। तो ये हो गई है मंदिर की एंट्री, पाटेश्वरी माता की मंदिर। काका कहाँ जा रहे हो आप? आप नानू के साथ रह रहे हो? हाँ। नानू के साथ? ये तो देख भी नहीं रहा छोटे, तू नानू के साथ रह रहा है? बड़ा जिद्दी है साला, देखता ही नहीं जब देख ही नहीं रहा बिल्कुल ही नहीं, बहुत जिद्दी आदमी है। दूसरा कौन गया? शाबाश। हाँ अभी तो है, अभी अच्छी धूप नहीं लगी ना। कोको सो जाएगा, एक लग रहा माता जी का पहला, मतलब भाई पहला नवरात्र है तो हम आए हैं। कितने अच्छे से मंदिर सजा हुआ है, भोलेनाथ जी का प्रिया पे बंद किया हुआ है। तो ऐसा है कि हम भी जा रहे हैं माथा टेक के वापस, पंडित जी से मिलना है। ये बाहर बैठे रहते हैं, ये नगाड़ा बजाते हैं। कुछ पता क्या, बहुत कुछ वो डाल दे रहे हैं, दूध दाद और बहुत चीजें ना, थोड़ा हो जा रहा है। देवी की पूजा हो रही है, उसके बाद अंदर है, उन्होंने पिछले ब्लॉग में दिखा रखा है वैसे तो। टोकरियां वापस कर रहे हैं, क्या बदतमीजी कर रहा है। यहाँ पे है भंडा, हाँ यहाँ पे भंडारा शुरू हो गया। ये लोग तो बैठ गए, मैं कहाँ जाऊंगी। अभी भीड़ नहीं है ज्यादा, अभी पापा जी चल पड़े हैं अब वापस घर। मैं आपको हो गया है चुप चुप शा, अब इसको आने वाली है नीलू, इधर ही होंगे कहीं भी देखना। ये है बुआ जी यहाँ पे, आपके चश्मे आ गए थे कब? ऑनलाइन आई शो गई मेरी बाबू शो गई इधर लाओ इधर ला। पता क्या देख रहा है, देख रहा है ऊपर बच गया। ये कौन है, कहाँ जा ले आप कहाँ जा ले, कहाँ जा ले पैसे दा की तूने कब आना, पैसे दे दो, पैसे दे दो बाद में। चुप पैसे मांगता है, ये है हमारे छोटे मामा टिंगड़िंग टिंगड़िंग टिंगड़िंग। बाय करो मासी को, टाटा बाय बाय करो, बाय बाय। हम रुके हैं जगह पे कुछ खाने के लिए और काफी अच्छा है यहाँ पे। गाड़ी लॉक नहीं की, लॉक नहीं की गाड़ी। चलते हुए हो गया ऑलमोस्ट 8 घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा, वैसे तो मुझे रुक गया है, बट अभी हम पंचकुला से चंडीगढ़ इस टाइम को इंटर हो चुके हैं। यार गाइस एसी वाले का फोन आ गया था इंस्टॉलेशन के लिए और हम लेट हो गए, तो कल आएगा वो, क्योंकि बस पहुंचेंगे 52 मिनट्स में मे बी हम अपने रूम पहुँच जाए, तो थोड़ा रेस्ट करनी है, कुछ खाएँगे और बस। आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।